हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, पिछली तीन वीडियोस में हमने वास्तु अनुसार घर के तीन कोणों की बात की, उसी सीरीज में आज चौथे कोण की बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको ज़रूरत के समय किसी का साथ नहीं मिलता? लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें जैसे गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छा घर, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, फर्नीचर की अवेलेबिलिटी न के बराबर है या बहुत हार्ड कोर मेहनत से ही कुछ मिल पा रहा है? बच्चों और फैमिली या अपनी बहन, पत्नी और बुआ से रिलेशंस ठीक नहीं रहते, शरीर में शुगर और यूरिन से रिलेटेड दिक्कतें बनी रहती है, तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी वायव्य कोण चेक करने की ज़रूरत है। यदि यहाँ आपने पूजा घर, सीढ़ियाँ या बोरिंग करवा रखी है तो ये अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दे रहे हैं। इस दिशा में बोरिंग या सीढ़ियाँ होने से घर के पुत्र को सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। यहाँ किचन होने से पुत्र संतान की प्राप्ति में दिक्कतें आती है। अपने घर का बाथरूम और टॉयलेट इसी दिशा में बनाएं। वायव्य कोण में दौड़ते हुए सात घोड़ों का फोटो फ्रेम करके इस तरह लगाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की तरफ आता हुआ हो। सिक्स रोड की गोल्डन कलर की मेटल विंड चाइम्स इसी दिशा में लटकाएं। बच्चों का रूम भी वायव्य कोण में ही बनाएं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप मेटल से बनी वॉल क्लॉक या मेटल फ्रेम वाला राउंड शीशा भी लगा सकते हैं। इस दिशा में सफ़ेद और गोल्डन कलर के पर्दे, बेडशीट्स ज़्यादा यूज़ करें। हेड ऑफ़ द फैमिली का फ़ोटो भी यहाँ लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर मिसिंग है तब तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विशेष रूप से चेक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Till then, take care and thanks for watching.